आंद्रे रसल का तूफान 18 करोड़ के गेंदबाज के उड़ाए होश, एक ओवर में ऐसे पलट दिया पूरा मैच। जी हाँ दोस्तों, पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में आंद्रे रसल ने 23 गेंद पर 42 रन की पारी खेली, जिसमें 3 छक्का और 3 चौके शामिल थे। रसल की पारी ने मैच को पलटने का काम किया था। यही कारण रहा था कि आखिरी ओवर में कलकत्ता को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। बता दें कि केकेआर की पारी के 19वें ओवर में रसल का तूफान आया और सैम करन के ओवर में 3 छक्का लगाकर मैच को पलट दिया। सैम करन के ओवर में रसल ने 19 रन बनाए, वहीं इस पूरे ओवर में 20 रन आए थे। बता दें कि आखिरी के 2 ओवरों में कलकत्ता को 26 रन चाहिए थे, तब शिखर धवन ने अपने सबसे बेहतरीन बॉलर सैम करन को गेंदबाजी पर लगाया। सैम करन के ओवर में पहले गेंद पर रिंकू सिंह ने 1 रन बनाए, स्ट्राइक रसल के पास गए। दूसरी गेंद पर रसल ने छक्का, उसके बाद तीसरी पर भी छक्का, चौथे पर कोई रन नहीं बना, पांचवी गेंद पर छक्का और छठी गेंद पर 1 रन लिए। इस ओवर में कुल 20 रन आए, जिसके बाद अब केकेआर को आखिरी 6 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे। हालांकि आखिरी ओवर में रसल का रन आउट हुए, जिससे मैच का फैसला आखिरी गेंद तक गया। अर्शदीप सिंह की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका जमकर केकेआर को रोमांचक 5 विकेट से जीत दिला दी।